आपने रविंदर पहल आपने उनका उनका नाम लिया था, तो उनका फोटो रेडी है मेरे पास, क्योंकि मैं सारे फैंस को एक चीज एक कहानी मंजीत सर से एक कहानी सुनवाऊंगा अभी। देखने वाले ये नजरिया होता है कि मैम ये गुस्से में है, गलती करेगा इसके पास ले जाओ, लेकिन वो ऐसा गुस्से में बिल्कुल भी नहीं था, उन्हें शांत दिमाग से बोला था, मेरे पास ही आके बोला था कि विदे तू आराम से खड़ा रहना और ये मेरे पास आएगा और इसको मैं अपने आप पकड़ूंगा, पीछे से आना तेरे को बस, और सेम वही बना टाई होगा हमारा मैच। वो क्या हुआ था, हमारा होम लीग मैच था, तो हमारी टीम थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो गई थी, तो चार मैच होते थे होम लीग पे उस टाइम पे, तो मगर कल का मैच तो हम वैसे खुशी खुशी जीत जाएंगे जो फोर्थ मैच होगा, तो जोगिंदर था रविंद्र पहल था वो बोले जीत जाएंगे भाई साहब क्यों इतनी टेंशन लेते हो, पर वो और कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया उस जोगिंदर और ये बोले बोला कुछ नहीं भाई साहब आराम से हरा लेंगे, तो फिर मैच वो इतना टाइट हो गया कि दिल्ली की टीम की लीड हो गई जी। और जब मैच इक्वल सा हुआ तो जोगिंदर नरवाल से गलती हो गई तो वो दो पॉइंट चले गए और एक मिनट रह गई थी, तो फिर मैं गुस्से में गया और मैं रेडमान ने गया तो राइट कवर पे थे डी सुरेश हमारे रेलवे के आए, तो मैंने उनको किक लगा के मैं जल्दी भाग के आया, तो मिराज आया ना, तो मिराज मैंने रविंद्र पहल हम चार थे ग्राउंड में, मैंने कहा रविंद्र पहल से तेरा कोई लेना देना नहीं इससे, ये मेरे को मारेगा मैं खुद पकड़ूंगा इसको, अगर ले जाएगा तो ये जीत गए नहीं तो इक्वल मैच हो जाएगा, तो मैं आया वो रेड मान ने, तो रविंद्र पहल ने ऐसे एंकल की तरफ हाथ किया, तो मैंने कहा मगर नहीं ऐसे जोर से बोला मगर नहीं, फिर उसने पीछे कर लिया, फिर वो मेरी तरफ भागा तो मैंने उसको ऊपर से दबोच लिया उसको, फिर रविंद्र पहल, तो हम वो मैच इक्वल मतलब कि हम वो मैच जीत सकते थे पर इक्वल रह गया वो भी बहुत बड़ी बात है, रह गई नहीं तो हम हार गए थे।